वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। आओ आओ यार, तो चेक तो यार किसी ने थमाई नहीं, और अपने यार इन चिल्लरों का कलेक्शन देख के मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो यार चलो अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रवचन में हमने देखा कि मनी क्या होता है, और इस प्रवचन में हम क्रेडिट की बात करेंगे। तो यार क्रेडिट का मतलब लोन से है, और जैसे ही लोन के बारे में सुनते हो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में बैंक्स की एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगती होगी। तो यार ये बिल्कुल सही है, लोन का बैंक से गहरा याराना है। वैसे तुम ये भी सोच रहे होगे कि यार जो तुम अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक उन पैसों का करती क्या है। तो यार होता ऐसा है कि उन सारे डिपॉजिट का छोटा सा प्रपोर्शन कैश के फॉर्म में बैंक अपनी गुल्लक में बचा के रख लेती है। इस गुल्लक को कैश वॉल्ट बोलते हैं, और बाकी का बचा हुआ पैसा बैंक दूसरों को एज ए लोन दे देता है। और फिर वो लोग जो लोन लेते हैं वो धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ पैसा बैंक को चुका देते हैं। ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये इंटरेस्ट जो बैंक को मिलता है उसमें चुन्नू सा इंटरेस्ट बैंक तुम सबके अकाउंट में डाल देता है, और बाकी का बचा हुआ इंटरेस्ट बैंक अपने पास रख लेती है, और यही होती है बैंक की कमाई। तो इस तरह से बैंक जिनके पास सरप्लस पैसा होता है और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है उन लोगों के बीच में ना दल्ले का काम करती है। अरे मेरा मतलब है मीडिएटर। तो क्रेडिट या लोन की डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि क्रेडिट यानी कि लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर्स विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और अगर इसको अपनी मातृभाषा में समझें तो क्रेडिट या लोन एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे दे के बोलता है, देख भाई ये ले जा पैसे, जी ले जाके अपनी जिंदगी, मगर जाने से पहले भाई गीता पे हाथ रख के कसम खा के वादा कर कि मेरे पैसे सूद समेत वापस कर देगा, वो भी टाइम पर। तो यार अब तुम्हारे दिमाग में एक खुराफात सूझ रही होगी कि यार लोन लेना अच्छी बात है या बुरी बात। तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, किसी किसी के लिए ये बुरा भी हो सकता है और किसी के लिए अच्छा भी। तो चलो एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो तुम्हारी लेडीज गारमेंट्स की एक शॉप है, बुटीक, और तुमने एक ऐसी ड्रेस बना दी जिसके पीछे शहर की सारी औरतें पागल हो गईं, और तुम्हारे पास छप्पर फाड़ के ऑर्डर आ रहे हैं, पर अब तुम्हारे पास उतने लोग और रॉ मटेरियल नहीं है कि तुम सब ऑर्डर फुलफिल कर पाओ, और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं। तो अगर इस सिचुएशन में तुम लोन ले लेते हो तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होना पक्का है और तुम अपना लोन आसानी से पे कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में तो लोन लेना फायदेमंद है। अब एक दूसरा केस देखो। यह एक छोटा सा फार्मर है, टोटी। टोटी के पास खेती करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोन ले लेता है ताकि इससे वो फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, ट्यूबवेल, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह का इंतजाम कर सके। मगर यहाँ सियोरिटी नहीं है कि उसकी फसल भर भर के होगी, और जिसका डर था वही हुआ, फसल बर्बाद हो गई और टोटी सड़क पे आ गया। अब उसके पास लोन के पैसे वापस करने के लिए घंटा कुछ नहीं है, और बैंक ने उसके खेत की नीलामी भी लगा दी। तो यार यहाँ पे तो लोन ने ना बहुत ही निगेटिव रोल प्ले किया, इससे अच्छा तो टोटी लोन ही नहीं लेता, कम से कम उसके पास खेत तो बचे रहते।
तो इससे पता चलता है कि लोन के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। तो यार मेरा मॉरल यही है कि कभी भी बैंक के सामने कटोरा लेके मत खड़े हो जाना, नहीं तो कटोरा तो जाएगा ही और कच्चे बनियान भी उतर जाएंगे। तो चलो आज का प्रवचन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में।